जी, मेरा नाम डॉक्टर आकाश वेदौलिया है। मैं आरएमएल से इस रेजिडेंट डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट को लीड कर रहा हूँ। मेरे सभी डॉक्टर्स और सभी भाई बहनों से, समाज में लोगों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों में सब निर्माण भवन पहुँचें, ताकि हम सभी लोग एक शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात सरकार के आगे रख सकें और हमारी बहन जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है बंगाल में, उसे न्याय दिला सकें और जितने लोग वहाँ पर बंगाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें दिखा सकें कि वो इस लड़ाई में वो अकेले नहीं है। इस देश के हर कोने के सभी डॉक्टर्स उनके साथ हैं और सभी लोग जो इस देश में न्याय चाहते हैं, फीमेल सिक्योरिटी की मांग करते हैं, जो चाहते हैं कि ये समाज एक सेफ सोसाइटी बन सके फीमेल्स के लिए, तो रात को फीमेल्स इंडिपेंडेंटली बाहर निकल सकें, उन सभी लोगों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में निर्माण भवन पहुँचें और अपना एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट दर्ज कराएँ, ताकि हम सरकार के आगे अपनी बात पुरजोर तरीके से रख पाएँ और सरकार जल्द से जल्दी डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट ला सके। हमारा प्रोटेस्ट जब तक चलेगा तब तक सरकार हमें कोई ठोस आश्वासन ना दे। जब तक ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिल जाता, जब तक हमें ये भरोसा नहीं हो जाता कि जो हमारे साथी डॉक्टर वहाँ पे बंगाल में सुरक्षित हैं, जब तक हमें ये आश्वासन नहीं हो जाता कि हमारी बहन को इंसाफ मिलेगा, तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी। परेशानी जब भी कोई बड़ा आंदोलन या कोई बड़ा मुहिम होता है तो परेशानी तो हर किसी को झेलनी पड़ती है। जब तक अगर आज़ादी की परेशानी कुछ लोगों ने ना उठाई होती तो आज तक हम अपना कल स्वतंत्र दिवस नहीं मना पाते। तो उन्हीं सभी लोगों से मेरी ये अपील है कि जैसे आज़ादी की मुहिम में लोगों ने साथ दिया था, जब तक लोग सभी लोग अपना साथ नहीं देंगे, जब तक लोग खुद नहीं डिसाइड करेंगे कि फीमेल सिक्योरिटी पर काम करा जाए, एक नए लॉ आए जिसमें लोगों को सिक्योरिटी मिले, तब तक ना सरकार कोई काम करेगी, ना बंगाल सरकार पर कोई प्रेशर होगा। जो लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो कंटिन्यू होता रहेगा। सोसाइटी के प्रति इससे ज्यादा कोई भी, या तो भारत की सेना होती है या ये लोग होते हैं जो दिन रात लगे रहते हैं, हमारी सिविल सोसाइटी को भी इसमें आके सपोर्ट करना चाहिए, उनमें इस चीज के लिए गुस्सा होना चाहिए कि हाँ, देश के लोगों की सेवा करने वाले, देश के लोगों का इलाज करने वालों के साथ में ऐसा घिनौना अपराध हो रहा है, ऐसा घिनौना काम हो रहा है, तो इसकी तुरंत प्रभाव से सजा मिलनी चाहिए। और आगे इसका जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को, हम इसको बैकअप नहीं करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर कविता है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सर्जरी में, और हम प्रोटेस्ट को लेकर हमारा यही कहना है कि वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर वुमेन एंड सेफ्टी। अगर वुमेन सेफ नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। आज भी वही स्थिति है जो आज से इंडिपेंडेंस डे से पहले थी, तो वी हैव अ जीरो टॉलरेंस फॉर दिस।
तो